तो हमने लूप्स के बारे में जाना पिछले 3 वीडियो में कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे काम करते हैं और कौन कौन से लूप्स होते हैं। अब हम लूप्स की मदद से कुछ पैटर्न्स प्रिंट करना सीखेंगे जिसमें से स्टार्स, नंबर्स और कैरेक्टर हम जानेंगे कि कैसे प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऐसा स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है। तो इसको करने के लिए हमें 2 लूप की ज़रूरत पड़ेगी कि एक लूप के अंदर एक लूप और बनाना पड़ेगा और मैं इसमें 4 लूप यूज़ करने वाला हूँ। तो हमें क्या करना होगा कि पहला लूप में हमें बनाना होगा, क्यों? क्योंकि हमें लाइन प्रिंट करना है कि कितने टाइम्स ये लाइन प्रिंट है स्टार की। 1 लाइन, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 बार प्रिंट है 1 बाय 1। और उसके बाद इसके अंदर की जो एलिमेंट है वो इंक्रीज हो रही है हर लाइन में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एलिमेंट 3 हो गया, फिर एक और बढ़ के 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया है। तो ये काम करना है हमें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक इंट वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम होगा नंबर इज इक्वल टू 5। ये क्या है तो मैं बताता हूँ, ये जो है ये हमारी होगी नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, कितनी बार वो जो स्टार की लाइन से वो प्रिंट होगी, तो 5 बार प्रिंट होगी। इसके बाद मैं एक फोर लूप चलाऊंगा। फोर लूप के अंदर मैं आई को इनिशियलाइज करूंगा कि इंट इज इक्वल आई इज इक्वल टू 1, और इसकी कंडीशन क्या होगी, ये लेस देन इक्वल टू होगा नम के। ठीक है, ये जो नंबर है इसके लेस देन इक्वल टू होगा। और उसके बाद मैं करूँगा कि आई की वैल्यू को यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। अच्छा, ये जो है ये काम हुआ मैंने कि ये सिर्फ इतना करे कि ये मेरे लिए प्रिंट कर दे एक लाइन को। ठीक है, बस ये लाइन को प्रिंट करे। और फिर मैं यहाँ पे लूप के अंदर एक और लूप बनाऊंगा जिसका काम होगा कि एलिमेंट को बढ़ाए। तो उसके लिए मैं एक और इंट वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा जे, और जे इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे भी इसकी वैल्यू को असाइन करूँगा 1 से। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन डालूंगा, जो जे है वो लेस देन इक्वल टू होगा हमारे आई के से, और आई की वैल्यू यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी है। और उसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू जो भी होगी वो अपडेट होगी प्लस प्लस से। ठीक है, मैं वापस आऊँगा इस पर समझाने के लिए, लेकिन मैं पहले पूरा कोड लिख लेता हूँ। तो इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा हमारे स्टार को। तो मैं लिखूंगा साउट साउट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहूँगा स्टार को। और अब देखो यहाँ पे मैं एलन हटा देता हूँ। मैं क्यों हटा रहा हूँ मैं बताऊँगा। और फिर मैं नीचे यहाँ पे लिखूँगा एक और यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा एक ऐसे ही खाली एलन को। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है कि मैंने बताया सबसे पहले तो कि मैंने एक इंट वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू है, मतलब जो नाम है वो नम है, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो 5 है, और ये हमारी नंबर ऑफ लाइन है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारा जो स्टार है वो कितने लाइनों में प्रिंट होगा। मेरे केस में मैंने 5 दिया है, आप यूज़र से भी डिफाइन कर सकते हैं, इनफिनाइट तक जा सकते हैं जहाँ तक आपका मन है। मैंने अपने केस में पहले ही डिफाइन कर लिया है कि ये जो नंबर ऑफ लाइन है ये 5 लाइन में स्टार को प्रिंट करेगा। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 लाइनों में मैंने यहाँ पे बताया इसको। अब मैंने ये प्रिंट क्यों कैसे करेगा, ये करेगा मेरे लिए फॉर लूप से। मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया और मैंने इसमें इंट आई की वैल्यू दी है 1, कि आई की वैल्यू है 1, और यहाँ पे आई की वैल्यू में एक कंडीशन दे दी है कि जो आई की वैल्यू होगी वो छोटी होगी, यानी लेस देन इक्वल टू होगी नम से। ठीक है, नम की वैल्यू यहाँ पे 5 है, आई की वैल्यू मैंने 1 दी है। तो इसका मतलब है कि जब तक वैल्यू 1 से 5 तक होगी तब तक स्टार को प्रिंट करेगा। ठीक है, 1 से 5 तक होगी तभी स्टार को प्रिंट करेगा ये। 6 पे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और ये लूप चलना बंद हो जाएगा, मतलब 1 से 5 तक ही ये मेरे लिए स्टार्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है प्रिंट ऑफ लाइन, कि ये मेरे लिए स्टार को प्रिंट करेगा लाइन बाय लाइन। उसके बाद क्या करेगा, मुझे अब क्या करना है कि जो हर लाइन में एलिमेंट को बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले लाइन में 1 ही एलिमेंट है, फिर दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, पाँचवें में 5 है। और यहाँ पे मैंने इसके लिए एक और फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप बनाया है। और इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने वैसे ही एक और लगाया है इंट एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने यहाँ पे आई दिया था, मैंने यहाँ पे जे दिया है, और इसकी वैल्यू मैंने 1 ही असाइन किया है। इसके बाद कंडीशन क्या डाली है कि जो जे होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा आई की वैल्यू से।
ठीक है। तो जैसे जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी उसी अनुसार ये कंडीशन चेक करेगा और यहाँ जे की वैल्यू को अपडेट करते हुए यहाँ पे स्टार की एलिमेंट्स को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। ये काम किया है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो जैसे होगा क्या कि आई की वैल्यू अभी 1 है, ठीक है। कंडीशन चेक करेगा, हाँ 5 से छोटा है, उसके बाद इस लाइन में घुसेगा। अब जे क्या करेगा, जे चेक करेगा कि आई की वैल्यू के साथ जो जे की वैल्यू है क्या वो लेस देन है या इक्वल टू है, अगर है तो उतनी वैल्यू के वैल्यू का स्टार प्रिंट कर दो यहाँ पे। उसके बाद क्या होगी, वैल्यू फिर अपडेट होगी और जब तक मतलब आई की वैल्यू अपडेट होगी और जब तक आई की कंडीशन चलती रहेगी तब तक जे की कंडीशन भी चलती रहेगी। आई बंद हो जाएगा, जे भी बंद हो जाएगा, आई हमारा 5 लाइन को प्रिंट करेगा और जे हमारे हर लाइनों में एक एक आइटम को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। आई अभी 1 है और यहाँ पे जे के साथ ये कंडीशन चेक करेगा और यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद वैल्यू हो जाएगी 2, जे भी अपडेट होकर हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट होगा। ऐसे ही करता जाएगा जब तक आई की कंडीशन चलती रहेगी तब तक जे की कंडीशन भी चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एलन क्यों हटाया, एलन मैंने इसलिए हटाया क्योंकि मुझे जो स्टार है वो हर लाइन में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि एलिमेंट जो है वो हर लाइन में अपने आप बढ़ता रहे, हर लाइन में अगली लाइन में वो अपडेट ना हो, एक ही लाइन में हो। जैसे यहाँ पे 1 है, उसके बाद यहाँ 2 हो गई, फिर यहाँ पे 3 हो गई, ठीक है, ये एक ही लाइन में हो। मैं नहीं चाहता कि 3 अलग अलग लाइनों में जाए। लेकिन मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन लास्ट में क्यों लगाई, ये मैंने लगाया इसके लिए, लाइन के लिए लगाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लाइन है वो हर नई लाइन में ये होता रहे, काम लूप चले एक बार, फिर उसके बाद अगली लाइन में जाए, फिर उसके बाद अगली लाइन में जाए, और ऐसे न्यू लाइन बनाने के लिए मैंने एलन को यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो मैं इसको रन करूँगा और देखते हैं। ये हमारा स्टार जो है ये हमारा आ चुका है, देखो कोड जो है वो आउटपुट जो है वो दे चुका है। और हमें यहाँ पे हर लाइन में पहली बात तो देखो पहले लाइंस कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 5 लाइंस हैं। और इसके हर लाइन में एक एक एलिमेंट बढ़ता जा रहा है, पहले में 1 था, फिर 1 और 2 आया, फिर 1 और 2 और 3 आया, फिर 1 और 2 और 3 और 4 आया, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में 1 2 3 4 5 5 स्टार को इसने प्रिंट कर दिया। तो ऐसे स्टार को प्रिंट करना था, ऐसे ही इसका पैटर्न था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या हम नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं ऐसे ही, कि यहाँ पे नंबर 1 हो, फिर यहाँ पे 1 और 2 हो, फिर 1 2 3 हो, फिर 1 2 3 4 हो, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो, कैसे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो उसका तरीका हम देखते हैं। तो मैं ऐसी बात कर रहा था कि क्या इस टाइप में हम प्रिंट कर सकते हैं, पहले 1 फिर 1 और 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था। बस स्टार की जगह पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर देंगे। मैं इसको इसी कोड को कॉपी करूँगा और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको नम की जगह पे मैं इसको कर देता हूँ num1, और इसको भी मैं कर देता हूँ num1, और बस ठीक है। लॉजिक हमारा सब कुछ सेम रहेगा कि ये जो है ये लाइन्स प्रिंट करेगा कितनी, 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हमारी लाइन को प्रिंट करने में लूप मदद करेगा। फोर लूप क्या कर, ये अंदर वाली लूप क्या करेगा, इसके एलिमेंट को बढ़ाएगा, और यहाँ पे स्टार की जगह पे हमें नंबर प्रिंट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा कि प्रिंट कर दो वैल्यू, किसकी, जे की वैल्यू को प्रिंट करो, बस और कुछ नहीं। मैंने क्या कहा इसको कि बस तुम जे की वैल्यू को प्रिंट करो। अगर यहाँ पे देखो लाइन तो वही 1 से 5 तक ये बना देगा, सेकंड लाइन में सेकंड लूप में क्या होगा कि एलिमेंट को बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा, ये जे बढ़ाएगा, ठीक है। पहले 1 होगी, फिर 1 और 2 होगी, फिर 1 और 2 3 होगी, जैसे इसने स्टार्स को बढ़ाया था। बस हमें यही है कि हम किसको प्रिंट कर देंगे, जे को कर देंगे, तो ये अपनी वैल्यू को अपने आप ही प्रिंट करता जाएगा। पहले जे की वैल्यू 1 है, फिर जे की वैल्यू अपडेट होकर 2 हो जाएगी, 1 और 2 प्रिंट कर देगा, फिर 3 हो जाएगी, 1 2 3 कर देगा। बस लॉजिक वही है, बस हमें जे टाइम्स को प्रिंट करना है कि जे कितनी बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी प्रिंट करता हूँ, इसको कमेंट आउट, इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मल्टी लाइन कमेंट मारूँगा और मैं चाहता हूँ ये यहाँ तक रहे, बस उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ।
हमारा आउटपुट जो है वो निकल के आ चुका है। ये देखो पहले आउटपुट में आया एक, फिर एक और दो, एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार, और एक दो तीन चार पाँच। ये कर कुछ नहीं रहा है, ये बस जो जे की वैल्यू है, ये रही जो जे की वैल्यू है, इसको अपडेट कर रहा है और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। जे की वैल्यू को अपडेट कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है और यहाँ पे प्रिंट करता जा रहा है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस इतना सही लॉजिक है। अगले आते हैं हम लोग, क्या हम कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं अब कैरेक्टर कैसे करना है। तो कैरेक्टर कुछ इस तरीके से करना है हमें कि पहले ए आए, फिर उसके बाद ए और बी आए, फिर ए बी सी आए, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, इस तरीके से प्रिंट हो। ये कैसे करेंगे? ये भी लॉजिक सबका सेम रहेगा। मैं फिर से कोड कॉपी करूँगा यहाँ से और मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे किया मैंने पेस्ट, यहाँ पे किया मैंने पेस्ट, उसके बाद इसे मैं कर दूँगा नम टू कर दूँगा, और इसको भी मैं कर दूँगा नम टू। ठीक है, देखो काम सब वही है, हमें पांच लाइन प्रिंट करनी है। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और ये पांचवी लाइन। ठीक है, वो काम हमारा फॉर लूप कर देगा, ये वाला लूप, ये लाइंस को प्रिंट करने में मदद करेगा। अंदर के एलिमेंट को, सॉरी, ये लूप करेगा अंदर के एलिमेंट को इंक्रीज करने के लिए, ये लूप हमने इस्तेमाल किया था, वो काम भी यहीं पे होगा। बस हमें जे की वैल्यू की जगह क्या प्रिंट करना है, कैर प्रिंट करना है, कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करना है, ऐसे लेके जहाँ तक भी साइज जाए इसका। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एक कैरेक्टर बनाता हूँ जो कि रहेगा हमारा ए, और इसको मैं प्लस कर दूँगा किसके साथ, जे के साथ, और माइनस कर दूँगा मैं जे में वन, और इसमें मैं एक ब्रैकेट डाल देता हूँ। मैं डाला है यहाँ पे ब्रैकेट, इसको यहाँ से मैंने इसको भी बंद कर दिया, और यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा इसको कि जो भी आउटपुट आता है, जो भी आउटपुट आ रहा है उसे तुम कैर में बदल दो, क्या करो कैरेक्टर में बदल दो। और मैं यहाँ पे भी इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो मैंने क्या किया है, तो मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ तक तो बात सारी सेम है कि ये लाइन जो है मैंने एक डिफाइन किया है कि नंबर्स, नंबर लाइन कितनी प्रिंट होंगी, उसके बाद ये लाइन को प्रिंट करने के लिए यूज़ होगा, ये जो है ये एलिमेंट को इंक्रीज़ करेगी। अब यहाँ पे प्रिंट कैसे होगा, यहाँ पे मैंने कहा है कि ए एक कैरेक्टर है जो कि जे, जे की वैल्यू जो भी आएगी उसके साथ एक माइनस कर दो, और फिर इसको अपडेट करते हुए कैरेक्टर, ये जो भी वैल्यू आएगी उसको कैरेक्टर में बदलते हुए प्रिंट कर दो। तो कैसे, मतलब जैसे मान लो ए की वैल्यू, जे की वैल्यू अभी एक है, तो जे की वैल्यू एक है, फिर माइनस कर दो एक, तो वैल्यू आ गई ज़ीरो, तो ज़ीरो पे आ जाता है एक, फिर वैल्यू हो जाएगी दो, तो दो माइनस एक, मतलब वैल्यू आ गई एक, तो एक पे आ जाएगा हमारा बी, उसके बाद वैल्यू आएगी तीन, तीन हो जाएगा तीन माइनस एक, मतलब हो जाएगा दो, दो पे आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, और ऐसे इसी को ये कैरेक्टर में बदलते हुए प्रिंट करेगा, और ये हमारी नई लाइन को बताता रहेगा कि हर लाइन जो है वो एक न्यू लाइन में आएगी इस तरीके से। तो ये इसी हिसाब से प्रिंट करेगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको रन करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट कर दूँगा। मैं यहाँ से इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक, उसके बाद मैं रन करूँगा अपने कोड को और देखते हैं कि प्रिंट होता है कि नहीं। यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो निकल के आ चुका है। देखो पहले आ गया ए, फिर आ गई बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई। ठीक है, ये वही हुआ, जे जो है वो इंक्रीज कर रहा है और हमने जे माइनस वन कर दिया है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी जे की उसमें से माइनस करो वन, और वैल्यू को जो है वो प्रिंट करते जाओ, और जो भी वैल्यू आएगी उसको, उसे प्रिंट करने से पहले उसको कैरेक्टर में चेंज करते जाओ। ठीक है, तो ये था। अच्छा, मैं अगर इसे यहाँ पे मैं एलन लगा दूँ और ये वाला लाइन जो है इसको मैं हटा दूँ, तो क्या होने वाला है देखते हैं। अगर मैं इसको हटा के इसको मैं वापस रन करता हूँ तो देखो क्या होता है।
देखो ये ऐसे प्रिंट होगा, अगर हमने एल एन नहीं हटाया तो ये हर लाइन में इसको प्रिंट करेगा, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे एल एन हटा देता हूँ ताकि हम एक ही लाइन में इनको प्रिंट करें। हाँ, जो लाइन बनेगी, जो हमारी लाइन बनेगी उसे मैं चाहूँगा, जो रो होगी हमारी उसे मैं चाहूँगा कि वो हमारी नई लाइन में है। इसलिए मैं यहाँ पे एक अलग से एल एन लगाऊंगा जो कि इस लूप के साथ अटैच रहेगा। इस लूप में जितनी भी लाइंस बनेंगी वो हर हर लाइन मतलब जितनी बार अपडेट होगी उतनी बार एक नई लाइन बनेगी, ठीक है, और वो एक न्यू लाइन होगी, ठीक है, और उस न्यू लाइन में कैरेक्टर जो एलिमेंट है वो हमारे इंक्रीज होते रहेंगे। इस तरह से हमारे कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आने लगेगा। ये आ चुका है हमारा आउटपुट, ठीक है, ए बी सी डी ई, हर लाइन में एक एक जो अल्फ़ाबेट है हमारे कैरेक्टर है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इसी के कारण हुआ है कि हमने एरेन यहाँ पे नहीं लगाया ताकि एक ही लाइन में आए जो भी है, और ये लगाया मैंने इस लूप के लिए ताकि इसका जो भी एक लाइन हो वो हर एक हर अपडेट में मतलब जितनी बार ये अपडेट होगा उतनी बार ये एक नई लाइन में आए। और मैंने इसको लगाया है यहाँ पे, नहीं लगाया है एल एन इसलिए क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है वो मैं चाहता हूँ एक ही लाइन में आए, लेकिन जो हमारा लाइन है मैं चाहता हूँ जितनी बार वो अपडेट हो उतनी बार वो नई लाइन में आए, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको बाहर लगाया ताकि इस लूप के साथ रहे, ठीक है, तो यही कारण था। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको स्टार नंबर और अल्फा कैरेक्टर प्रिंट करना आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू।